मैट्रिक परीक्षा 2023 में संस्कृत में 100 में 100 अंक कैसे लाए, एकदम सिंपल लॉजिक में बताऊंगा संस्कृत में पूरे नंबर लाने का। क्योंकि देखो क्लास 10 वाले बच्चे को संस्कृत बहुत हार्ड लगता है कि संस्कृत में नंबर नहीं आ सकता है, पूरे किताब पढ़ना पड़ता। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, जो बता रहा हूँ वो करिए और सिंपली आप टॉपर बन जाए, ज्यादा चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपका जो पैटर्न है उसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है भैया, यानी 100 में से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आओ में शर्त है 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा तो मात्र 85 गो ऑब्जेक्टिव हमें बनाने हैं। कितने? 85 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा है तो इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कैसे लड़ाएंगे? तो बाबू याद रखिएगा, चाहेंगे तो आप अपने से सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाटिए। संस्कृत में 2 किताब है, उन सारे किताबों से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाट लीजिए। आप व्याकरण में समास, संधि, उपसर्ग, ये सब चीजें पढ़ कर, ये सब चीजें क्या कर, इन सभी चीजों से भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छाट लीजिए। देखिए, आपके सारे लड़ जाएंगे। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि संस्कृत में जितना भी चैप्टर है उन चैप्टर से क्या करिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाट लीजिए। देखिए, आपका 100 गो में से 50 गो नहीं लड़ेगा। अरे 10 से मान लीजिए, लगभग बता रहा हूँ कि 5000 से 10000 के बीच में अगर ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर लेते हैं संस्कृत का, तो 50 गो आसानी से आपका सेम टू सेम प्रश्न लड़ जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी आप ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो हमसे ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न का ऑब्जेक्टिव तैयार करके रखे हैं, जो आपके 100% लड़ने के चांस है ही नहीं। लड़ेंगे तो लड़ेंगे, यानी कहने का मतलब जो जो बच्चा लेना चाहते हैं, ठीक है ना, अंत में वीडियो के अंत में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 नंबर के आते हैं, खुद से आप तैयार करिए। सबसे बढ़िया हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाटिए और देखिए लड़ जाएंगे। अब रही बात आगे आती है, तो ऑब्जेक्टिव की बात थी, अब आते हैं आगे बात करते हैं। देखो बाबू, संस्कृत में गद्यांश, संस्कृत गद्यांश 13 नंबर का पूछता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे, तो संस्कृत गद्यांश का मतलब होता है उसमें दिया है और उसी को पढ़कर लिखना है, यानी आपको क्वेश्चन भी उसी में रहेगा, आंसर भी रहेगा, बस उसको पढ़कर उसी में से आंसर चूज करके आपको लिखना। जैसे हिंदी में गद्यांश नहीं देता है तो क्लास 10 वाले बच्चे हिंदी में 20 नंबर का गद्यांश देता है, लेकिन संस्कृत में गद्यांश आपके कितने नंबर के आ रहे हैं? 13 नंबर के आते हैं। कितने? 13 नंबर के। आइए, कुछ नहीं करना, उसी में से पढ़ कर लिखना होता है, तो आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं संस्कृत पत्र। संस्कृत में पत्र लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, आवेदन लिखने के लिए ये 8 नंबर के आते हैं, 2 गो आता है पत्र लिखने के लिए, तो संस्कृत में पत्र लिखना सीख लीजिए। देखो, गद्यांश कम से कम समझिए कि क्वेश्चन बैंक का जितना भी गद्यांश आपको दिया है, चाहे 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को उठाइए और जितना भी गद्यांश दिया है उन सभी को समझ समझ कर आप हल कर लीजिए। देखिएगा, एक गद्यांश आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे 100%। अब रही बात संस्कृत पत्र लिखने की। देखो, संस्कृत में पत्र लिखना मैं पहले भी बता चुका हूं कैसे, संस्कृत में सिंपली पत्र लिखना है। नहीं लिखने आ रहा है तो लिखिएगा संस्कृत पत्र जेपी सुपर स्कूल, तो मेरा यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा। और नहीं मिल रहा है तो क्लास 10 के संस्कृत के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मेरा संस्कृत में पत्र लिखने का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो संस्कृत में पत्र लिखना आप सीख लीजिए, 8 नंबर के आसानी से लड़ जाएंगे। और ट्वीकली सीखिएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ना बाबू, तो ट्वीकली मैं बता चुका हूं, उसको जाकर जरूर देखिएगा। उसको तीसरी चौथी बात है आपको, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा का संस्कृत गद्यांश, तीसरा का संस्कृत पत्र और चौथा संस्कृत निबंध। देखो, संस्कृत में निबंध लिखने के लिए 7 नंबर के आपके आते हैं निबंध। जैसे देखा आदर्श विद्यालय, होली, दीपावली, संस्कृत में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। 7 अंक का, तो 7 लाइन में निबंध लिखने होते हैं और ये हमेशा आते ही आते हैं। देखिएगा, यानी निबंध जो है संस्कृत में 7 नंबर का पूछता है, तो आप निबंध लिखना सीख लीजिए। संस्कृत में कैसे निबंध लिखता है इसका भी मैं लॉजिकली एक ट्रिक के द्वारा निबंध लिखना सिखा दिया था कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं संस्कृत निबंध जेपी सुपर स्कूल, यूट्यूब पर सर्च करिए संस्कृत निबंध जेपी सुपर स्कूल, आपको वीडियो मिल जाएगा। ट्रिक के माध्यम से मैंने इस चीज को समझाया, अगर नहीं मिले तो क्लास 10 के संस्कृत के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर मिल जाएगा। तो संस्कृत में निबंध निकला सीख लीजिए, 7 नंबर मिलेगा। उसके बाद करते हैं संस्कृत अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए 6 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। उसमें से कम प्रश्न 12-13 को देगा, आपको 6 को ही सब करने होते हैं, यानी संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए आपको 6 नंबर के आते हैं। अब देखो, संस्कृत में भी अनुवाद करने का ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिस वीडियो को आपने वायरल किया है और उसको स्नेह प्रेम बहुत ज्यादा दिया है। तो मेरे कहने का मतलब, संस्कृत में अनुवाद लिखने का मैं इसके बाद एक वीडियो जारी करूंगा, उसमें करीबन 30 से 35 समझिए कि संस्कृत रहेगा, मतलब हिंदी रहेगा, उसको हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करूंगा। उस 30 गो 35 गो में से आपका 6 गो आसानी से लड़ जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नहीं तो संस्कृत में अनुवाद करने का मैं ट्रिक बता चुका हूं, यूट्यूब पर सर्च करें संस्कृत अनुवाद जेपी सुपर स्कूल, तो वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो क्लास 10 के संस्कृत के प्लेलिस्ट में वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो संस्कृत में अनुवाद करना सीख लीजिए। उसके बाद किताबी प्रश्न। देखो, किताबी प्रश्न 8 गो पूछता है। कितना? 8 गो, यानी 16 नंबर का पूछता है किताबी प्रश्न, ठीक है ना। अब देखो, 8 गो किताबी प्रश्न है, तो आप कम से कम जो मोटका संस्कृत है क्लास 10 में, वो सब आप क्या करिए कि उन सभी चैप्टर से आप कम 4-5 गो 4-5 गो 2 नंबरिया प्रश्न छाट लीजिए,
देखिए आपका सारा प्रश्न लड़ जाएगा। आठ गो प्रश्न नहीं लड़ेगा, अगर सॉल्डेट सॉप दुनोरिया संस्कृत का क्वेश्चन याद कर लेते आठ गो नहीं लड़ेगा, अरे 100% लड़ेगा। तो करना कुछ नहीं है, देखो संस्कृत गद्यांश पढ़ लीजिए, संस्कृत पत्र लिखना सीख लीजिए, संस्कृत निबंध लिखना सीख लीजिए, संस्कृत में अनुवाद करना सीख लीजिए और किताबी प्रश्न कुछ इकट्ठा कर लीजिए। ये 4 से 5 काम करिए, आपके देखिए पूरे का पूरे मार्क्स आ जाएंगे। पूरे देखो बच्चा को समझ में नहीं आता कैसे चले कैसे पढ़े, सोचिए एक दिन में आप संस्कृत गद्यांश लिखना सीख सकते हैं, एक दिन में संस्कृत पत्र लिखना सीख सकते हैं, एक दिन में संस्कृत में निबंध लिखना सीख सकते हैं, एक दिन में संस्कृत में अनुवाद बनाना सीख सकते हैं, एक दिन में आप किताबी प्रश्न को इकट्ठा कर सकते हैं, तो 5 दिन में आपका पूरा संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा। समझ में पूरा का पूरा आप नंबर उठा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इकट्ठा करिए, हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाटिए, हर चैप्टर से दुनवरिया प्रश्न छाट लीजिए संस्कृत के, उसके बाद पत्र लिखना, गद्यांश लिखना, निबंध लिखना और संस्कृत में अनुवाद कैसे करना ट्विकली, ये सब ट्विकली सीखिए। ट्यूकली मैं सब समझा चुका हूं, ठीक है ना। क्लास 10 के संस्कृत के प्लेलिस्ट में जो आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं मिल रहा तो कमेंट करिए, अपना कमेंट करके वहां पर व्हाट्सएप नंबर सेंड करिए, मैं वहां पर व्हाट्सएप आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना बाबू। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि इस तरह से आपके संस्कृत में आसानी से 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। देखो ये संस्कृत में 100 मार्क्स लाने का सबसे सिंपल तरीका है, इसके अनुसार तैयारी करें पूरे मार्क्स चलाएंगे। अब इस वीडियो को बाबू आपका काम है कि कुछ लोगों के पास पहुंचाए, ताकि जो बच्चा को संस्कृत हार्ड लगता है ना, वो इस टाइप से तैयारी करे और 100 में 100 मार्क्स उठाए। जय हिंद।